देखिए ये बहुत पहले होना चाहिए था, ये सुकून भरा आज दिन है, तो मैं तो कहूंगी कि उनको फांसी हो रही है, लेकिन अगर उनको पब्लिकली किया जाए ताकि ऐसे लोगों को नसीहत मिले जो ऐसी सोच रखते हैं, तो मैं तो कहूंगी कि फांसी के साथ पब्लिकली उनको फांसी हो इसका प्रावधान भी होना चाहिए, और साथ ही जो एसिड अटैक वाले हैं अब तो मैं कहूंगी उनकी भी सजा जो है और कड़ी होनी चाहिए। लेकिन क्या जो खारिज होना, क्या जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि जल्दी से जल्दी फांसी मिले, ये राहत की बात? देखिए राहत है, लेकिन मैं कहूंगी कि बहुत राहत की बात नहीं हुई, क्योंकि 12 में ये घटना घटती है और अब 20 चल रहा है, उसके बाद भी लोग संचय में थे कि शायद फांसी नहीं होगी। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि भाई फांसी होगी ही नहीं, वो बच जाएंगे, तो ये सोच को झटका मिला है, तो मैं कहूंगी कि ऐसे लोगों को झटका मिला है, इसीलिए मैं कह रही हूं कि अब जब इस तरह के रेप केस हो कि एटलीस्ट फास्ट ट्रैक हो, इमीडिएट फांसी हो, और इस फांसी को तो सड़क पे होना ही चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले।